हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। बॉलीवुड के कई स्टार्स ने नागरिकता कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर ने भी इस कानून के खिलाफ विरोध किया था। फरहान ने हाल ही में एक ट्वीट किया था, इसमें उन्होंने नागरिकता कानून की डिटेल शेयर की थी। साथ ही लिखा था, यहाँ आपको ये जानने की जरूरत है कि क्यों ये आंदोलन जरूरी है। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में 19 दिसंबर को मिलते हैं। सोशल मीडिया में अकेले आंदोलन करने का वक्त खत्म हो गया है। बता दें कि फरहान अख्तर का विरोध करना अब उन्हीं पर भारी पड़ गया है। दरअसल उनके खिलाफ हिंदू संगठन ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी जानकारी ANI ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करके दी है। इस ट्वीट में लिखा है, नागरिकता कानून को लेकर हिंदू संगठन ने फरहान अख्तर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में हिंदू संगठन ने लिखा, बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से डर, अराजकता पैदा करने वाले देशद्रोही ट्वीट पोस्ट किए हैं। फरहान अख्तर पर देश के अलग अलग समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। फरहान पर आरोप है कि उन्होंने लोगों के मन में डर पैदा करने के साथ साथ मुस्लिम्स, ट्रांसजेंडर्स और दलितों को राष्ट्र के खिलाफ भड़काने का काम किया है। और ये शिकायत हैदराबाद के वकील करुणा सागर ने की है, जो कि हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं। बताते चलें कि बीते दिनों फरहान अख्तर ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इस दौरान उनकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। फरहान के साथ साथ एक्टर जावेद जाफरी ने भी एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लोगों से अगस्त क्रांति मैदान में आने का अनुरोध किया था। वैसे फरहान और जावेद कोई अकेले नहीं हैं जिन्होंने इस कानून के खिलाफ और जामिया के छात्रों के साथ पुलिस की बर्बरता का विरोध किया है। फरहान के अलावा स्वरा भास्कर, होमा कुरैशी, अनुराग कश्यप का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। साथियों, आज झारखंड की इस धरती से इन वीर पुत्रों की धरती से देश के लिए मर मिटने वाले इन शहीदों की धरती से मैं फिर एक बार पूरे देश को, देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हर किसी को फिर से कहना चाहता हूं कि इस कानून से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा। हमने जो कानून बनाया है, ये तो हमारे पड़ोस के 3 देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 3 देशों में धार्मिक अत्याचार की वजह से भारत आने वाले लोगों के लिए हमने कानून बनाया है। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बरसों से बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जिनके पास वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इसमें भारतीय मुसलमानों या किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों का हनन कहां होता है? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों झूठ फैला रहे हो? क्यों देश को बर्बाद करने में तुले हुए हो? साथियों, नागरिकता संशोधन कानून न किसी भारतीय का अधिकार छीनता है, न ही उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस और उसके साथी इस मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काने का, डराने का, भयभीत करने का प्रयास करके अपनी राजनीतिक खिचड़ी पकाना चाहते हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस की बांटो और राज करो इसी नीति की वजह से
देश का एक बार बंटवारा हो चुका है। मां भारती के टुकड़े पहले हो चुके हैं। यही कांग्रेस है जिसने अवैध तरीके से लाखों घुसपैठियों को भारत में घुसने दिया। यहां उनको वोट बैंक के नाते इस्तेमाल किया। घुसपैठियों के कारण जो समस्याएं पैदा हुई है उसके लिए भी कांग्रेस और उसके साथी दल जो इतने सालों तक सत्ता भोगते रहे वे ही जिम्मेदार है। साथियों, ये हमारा बरहेट में राम जानकी विराजमान है। और भगवान राम जी ने 14 साल वनवास में आदिवासियों के बीच में अपनी जिंदगी गुजारी थी। और इसलिए यहां भव्य श्रद्धा केंद्र राम जी का मंदिर है। अब आप मुझे बताइए, अयोध्या में राम जन्मभूमि का मामला इतने सालों से लटक रहा, इतने सालों से लटकता रहा, इसका समाधान होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये मसला शांति से सुलझना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? सत्य के मार्ग पर सबको चलना चाहिए था कि नहीं चलना चाहिए था? लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो वही काम करते थे जिसमें उनकी राजनीति की रोटियां सेकते रहे। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका हल कांग्रेस और उसके साथी कभी नहीं चाहते थे। लटकाना, भटकाना, इसी में उनकी राजनीति की खिचड़ी पकती थी। वो राजनीति करते रहे, सबको डराते रहे और देश अयोध्या में राम मंदिर का इंतजार करता रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम राष्ट्र नीति पर चले और अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता आज साफ हो गया। भाइयों बहनों, कहीं कोई तनाव हुआ क्या? कहीं कोई तनाव हुआ क्या? कोई दंगा हुआ क्या? मारपीट हुई क्या? शांति से हुआ कि नहीं हुआ? देश में सब काम शांति से होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अब मोदी शांति से सब करने के लिए कोशिश कर रहा है तो उनके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, आर्टिकल 370 को लेकर भी इन्होंने यही डर दिखाया। अगर 370 को हाथ लगाए गए तो करंट लग जाएगा, करंट बवाल हो जाएगा, देश का टुकड़ा हो जाएगा, यही बोलते थे ना, यही डर दिखाते थे ना। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अलगाव को बढ़ने दिया, आतंकवाद बढ़ने दिया, वहां से पंडितों को निकाले गए, ये देखते रह गए लेकिन निर्णय नहीं किया, फैसला नहीं लिया। आपने जब
इस सेवक को फिर आदेश दिया तो आर्टिकल 370 भी निकाल गया और शांतिपूर्ण तरीके से आज कश्मीर आगे बढ़ने लग गया।